करने वाले फूरियर ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट पार्ट की। आज हम देखेंगे फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ही फॉर्मूला बेस्ड है, बस इंटीग्रेशन में दिक्कत जाती है लोगों को। इंटीग्रेशन टफ नहीं है यार, मैंने बना रखा है जैसे कोई वीडियो में हर बार बोलता हूँ कर लो उसे ठीक, क्यों रुके हुए हैं बहुत से लोग, क्यों आई क्या ही करेंगे यार, बट कर लो यार, छोड़ो मत इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी एमएससी हर जगह मैथ्स में तुम देखोगे ना इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो तुम्हें आना चाहिए इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ आई टाइप का भी वीडियो दिख रहा होगा, तो इंटीग्रेशन वाली बेसिक की वीडियो तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी इससे पहले भी मैं फूरियर में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, जैसे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, सॉरी फूरियर सीरीज वाले पार्ट्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट्स और भी लैपलास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत कुछ मिलेगा, सब में नोट्स भी हैं, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स रहते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत कुछ होता है, तो वो आई टाइप पे दिख रहा होगा, वहां से तुम कुछ भी एसेस कर सकते हो, सब कुछ मैंने आई टाइप पे डाल रखा है, वहां से तुम देख लो समझ जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एस नीचे लिखा है मतलब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, अगर एफ ऑफ सी लिखा है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एच डी एक्स, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एस एच डी एक्स हो जाए, अगर साइन ट्रांसफॉर्म है तो साइन ऑफ एस एच डी एक्स, अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो कॉस ऑफ एस एच डी एक्स, सिंपल। बट अब तुम लोग बोल रहे हो कि भैया हमारे में तो ये अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई नहीं बताया सर, हो सकता है किसी के में बताया हो किसी के में नहीं बताया, तो ये जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है, किसी किसी में 1/2π होता है, किसी में पाई होता है, किसी में 2/π भी है कहीं पे, तुम्हारे यहाँ जैसे कराया तो उससे कर लो, इससे ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट से, ठीक है। तुम्हारे प्रोफेसर ने जैसा कराया तुम्हें तुम वैसा कर लो, ठीक है। चलो ये हो गया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में, हो गया फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, अपन इनके इनवर्स ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म अंडर रूट ऑफ 2/0 टू इनफिनिटी एफ ऑफ एस साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2/0 टू इनफिनिटी एफ ऑफ सी ऑफ एक्स कॉस ऑफ एस एक्स डी एक्स, ठीक है। दैट फॉर्मूले है और क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, ऐसे स्टफ नहीं होते, हम क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ऑब्टेन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स इज f of x equals to x when x is between 0 and 1, f of x equals to 2 minus x when x is between 1 and 2, f of x is 0 when x is greater than 2. Easy है, समझ आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सिंपल है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता था f of c of s equals to होता है अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी f of x cos of sx dx, ठीक है। अपना फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता था यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, बट अपनी लिमिट्स 0 टू 1 होगी, 1 टू 2 होगी और 2 टू इंफिनिटी होगी, तो अपन इसे पहले लिमिट को ब्रेक करते हैं 2 टू पाई और इसे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ये 0 टू 1 प्लस 1 टू 2 प्लस 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये वाला तो एडजस्ट करेगा, ये भी करेगा, ये 0 हो रहा है तो ये वाला पार्ट 0 कर दो, तो इसे ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 टू 1, 0 टू 1 कितना है भाई, 0 टू 1 में x, x cos of sx dx प्लस 1 टू 2, 2 माइनस x cos of sx dx, cos of sx dx, ठीक है। इसको अपन कर देते हैं इंटीग्रेट, इसको करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, अंदर बचेगा x ऐसा का ऐसा cos x की हो जाएगी sin of sx / s माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन में साइन ऑफ एस एक्स हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर और इसकी लिमिट है 0 से 1 प्लस इसका हो जाएगा 2 से 1, ठीक है, इसका हो जाएगा 1 से 2, सॉरी 2 माइनस एक्स जैसा का वैसा, कॉस ऑफ एक्स की हो जाएगी साइन ऑफ एस एक्स बाय एस माइनस 2 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस 1, 2 की 0 एक्स की माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 और साइन ऑफ एस एक्स की माइनस कॉस ऑफ एस एक्स बाय एस स्क्वायर और इसकी लिमिट है 1 टू 2, सिंपल था, सिंपल इंटीग्रेट कर दिया। अब इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, जब अपन इसमें लिमिट पुट करेंगे तो एक्स को तो मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा साइन ऑफ एस अपॉन एस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट साइन ऑफ एस अपॉन एस, एक्स को जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, अब माइनस आ जाओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख देता हूँ, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, जब एक्स को 1 रखूंगा तो कॉस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा कॉस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर, जब एक्स को 0 रखूंगा तो कॉस ऑफ 0 होगा
कॉस ऑफ जीरो वन होता है, अरे ये माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए वाले माइनस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस ऑफ जीरो वन होता है, तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, पहले वन रखा तो कॉस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर आ गया, फिर जीरो रखा तो कॉस ऑफ जीरो अपॉन एस स्क्वायर था, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू वन होती है, इसलिए वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस इधर आएगा टू रखेंगे, जब मैं यहाँ पे टू रखूंगा तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, जब मैं यहाँ पे वन रखूंगा तो ये हो जाएगा जीरो हो गया सबसे पहले, तो जब मैं वन रखूंगा तो टू माइनस वन वन होगा, तो साइन ऑफ एस अपॉन एस हो जाएगा, साइन ऑफ एस अपॉन एस प्लस, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे टू रखूंगा तो कॉस ऑफ टू एस हो जाएगा, कॉस ऑफ टू एस अपॉन, जब मैं यहाँ पे वन रखूंगा टू एस अपॉन एस स्क्वायर, जब मैं यहाँ पे वन रखूंगा तो कॉस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर हो गया, इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ये प्लस का है माइनस का कट जाएगा और सबके नीचे एस स्क्वायर है, कॉस ऑफ एस ये भी है, ठीक है, प्लस का है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टू अपॉन पाई इन ब्रैकेट कॉस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा तो कॉस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर, टू कॉस ऑफ एस और माइनस वन और कॉस ऑफ टू एस को लिख सकते हैं माइनस कॉस ऑफ टू एस, सबके नीचे एस स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में, बहुत इजी था, इसको अपन और सिंपलीफाई करना चाहो तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा के कर सकते हैं, वन अपॉन एस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ टू अपॉन पाई, माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टू कॉस ऑफ एस माइनस टू कॉस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर, तो बाहर ही ले लिया, अब जैसे कॉसेस कॉमन ले लो, टू कॉसेस कॉमन ले लो तो अपना आंसर आ जाएगा, बाकी तुम इतना भी करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट आंसर, क्लियर है, तो ऐसे करना था, बहुत इजी था, मैंने सिंपल उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में अपने वैल्यूज पुट करी, एलिमेंट को अलग अलग कर दिया और आंसर आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन था मेरी, बाकी तो ठीक ही है, सिंपल क्लियर है ना, है ना इजी, तो होमवर्क लिख लेते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करना अगर अच्छा लगे कंटेंट, तो करना चाहिए यार, हमें मोटिवेशन मिलता है, और मेरी चैनल में किसी का भी कंटेंट अच्छा लगे तो अपने को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना चाहिए, कमेंट भी करके बताना चाहिए क्या इम्प्रूवमेंट है, यार मोटिवेशन मिलता है यार, तभी तो कुछ करने का आगे लगेगा कि और करना चाहिए, ठीक है, चलो होमवर्क लिख लो, होमवर्क ये एक तो अपने को फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्म करना है, इसमें डायरेक्टली सिंपल है, दोनों का फॉर्मूला लगाना है, जैसे मैंने एक करके बताया ना ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा हो तो आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट है इसमें भी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फॉर्म करना है, बट इसको कैसे करेंगे देखो, ऐसा जब रहता है ना हमेशा याद रखना, जब भी तुमको कुछ इवेल्युएट करना हो ट्रांसफॉर्म के केस में, तो इवेल्युएट करने वाले टाइम ना इनवर्स ट्रांसफॉर्म का यूज होता है, जैसे कि मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में बताया था फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम एक चीज इवेल्युएट कर रही थी, तो हमने वहां पे क्या यूज किया था इनवर्स ट्रांसफॉर्म का, ऐसे यहाँ पे भी जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, जैसे ई रेज़ टू माइनस मॉड एक्स को सॉल्व करने पे जो हमारा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आएगी ना, एफ ऑफ एस आएगा, एफ ऑफ एस ऑफ एस कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, उसको फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म में रख देंगे, मतलब हमारा जीरो टू इन्फिनिटी होती थी ना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टू अपॉन पाई, साइन में फोरियर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता था उसमें अपन एफ ऑफ एक्स को पुट कर देंगे, तो जीरो टू इन्फिनिटी हमें मिल गया, हमें इंटीग्रेशन चाहिए क्योंकि इवेल्युएशन के लिए इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये मिल गया हमें, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देना, इस साइड तुम्हारा जो भी ये वाला पार्ट है अपने आप बन जाएगा, इधर पे जो भी कॉन्स्टेंट है उसे यहाँ ट्रांसपोज कर देना, तो तुम्हारी जीरो टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू निकल जाएगी, एक बार खुद से करके देखना, जो मैंने बताया इनवर्स ट्रांसफॉर्म को यूज करके करते हैं इसे, आ जाएगा, नहीं आए तो उसका सॉल्यूशन और आंसर सब तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, अगर सॉल्यूशन देखो मतलब नहीं भी बने तो सॉल्यूशन देख के करो ना, तो सॉल्यूशन देख के करना, फिर थोड़ी देर थोड़ा सा ब्रेक लेना 5-10 मिनट का, उसके बाद बिना सॉल्यूशन देख करके देखने एक बार, तो चीजें क्लियर हो जाएगी, और यही मैटर होती है मैथ्स को सॉल्व करने की, कुछ भी सॉल्व कर, अगर तुम सॉल्यूशन किसी भी चीज का देख रहे हो तो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर लो, उसके थोड़ी देर बाद एक बार बिना देखे भी ट्राई किया करो, तो वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है, तो ये था होमवर्क, प्रैक्टिस करो चीजों की, बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर तुम्हें कहीं भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितनी जल्दी हो मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूं, बाकी ये चीजें टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चंस करोगे समझ आ जाएगा पैटर्न की, बस यही यही करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है, तो मेरे हिसाब से फूरियर क्लियर हो गया होगा, तो मैं फूरियर मतलब फूरियर कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।